हाय, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का विषय है मात्रकों का रूपांतरण, मीन्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे हम एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे बदलते हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। हम मेनली यूज करते हैं इंडिया में मीट्रिक प्रणाली, मैंने पहले भी बात की थी। तो मीट्रिक प्रणाली के अंडर जैसे हमारे पास 10 के हिसाब से बेस जो आता है, 10 आता है, 10 के हिसाब से 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, या फिर सब मल्टीपल में आ जाता है 10 की पावर ऐसे 3, इस तरह से भी आप आते हैं। तो जब हम मीट्रिक प्रणाली के बारे में रीड करें, उसके लिए हमें मल्टीपल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, कि जिसे अपर तक कहा जाता है। तो अपर तक में ये सारे नाम जैसे आ जाते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। ये जो साइन आ जाता है इसमें डेका का, DA, इसका वैल्यू जो होती है 10 की पावर 1 होती है। हेक्टो H से डिनोट किया जाता है और 10 की पावर 2 होती है इसकी। किलो K से डिनोट किया जाता है, जिसकी पावर जो होती है, वैल्यू जो होती है 10 की पावर 3 होती है। मेगा M से डिनोट किया जाता है, जैसे हम मेगावाट की बात करते हैं तो बिजली जो होती है, तो उसका जो ये M आ जाता है, ठीक है, तो M से डिनोट किया जाता है, कैपिटल M से, और 10 की पावर 6। गीगा G 10 की पावर 9, मतलब यानी कि इसमें 10, 9 0 आएंगे, मतलब ये आपका 10, ये आपका 10 पावर 2, मतलब 100। इसी तरह से ये 1000, फिर ये 60, फिर ये 90। उसी हिसाब से आ जाता आपका सब मल्टीपल्स अपवर्ती। इसमें जैसे नाम आता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। डेसी इसका साइन है D, और इसका जो वैल्यू है 10^-1, मतलब यानी कि ये बेस में इसका डिनोमिनेटर में आ जाता है आपका 10, ठीक है, किसी का 10वां हिस्सा। मतलब सेंटी आपका 10^-2, मतलब यानी कि ये आपका 100वां हिस्सा, इसे आप 10^2 से भी इस तरह से आप शो कर सकते हो। मिली मतलब यानी कि आपका 1000वां हिस्सा, ये आपका जैसे 1 10^3। उसी तरह से माइक्रो मतलब उससे भी ये आपका 10 लाख वां हिस्सा, मतलब यानी कि इसके जो मैं डिनोमिनेटर में 0 आएंगे वो 6 0 आएंगे, और नैनो जो आएगा इसके इसमें 9 0 आएंगे डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि 10 की शक्ति 6 और 10 की शक्ति ये 9, ये आपका ऊपर जाके -6 आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अपवर्तक का जो अभी डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, तो इनकी जो वैल्यू है क्या क्या होती है वो भी ये मेनली याद होनी चाहिए। इससे आपको आसानी होगी यूनिट्स कन्वर्जन का जो स्टडी करने के लिए। आगे जो हम रीड करेंगे, ये हमारे पास मीट्रिक पद्धति व ब्रिटिश पद्धति के मात्रकों का पारस्परिक संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन मीट्रिक सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम। जो हमारा इंडियन सिस्टम है MKS सिस्टम है, ठीक है, और जो ब्रिटिश सिस्टम है फुट पाउंड सिस्टम, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसके लिए हमें हम आज स्टडी करेंगे लेंथ के बारे में, लंबाई को लेकर के, कि इंडिया में हम MKS सिस्टम में जो हमारे पास M 4 मीटर, K 4 किलोग्राम और S 4 सेकेंड, ये 3 चीज़ें जैसे हमारे पास लंबाई का और ये वेट का, मास का और ये टाइम का है, इन तीनों के जो यूनिट्स है, ठीक है, हमारे इंडिया में ये हमारे पास MKS पद्धति जो आती है,
आज हम सिर्फ लेंथ के बारे में रीड करेंगे, मीटर को लेकर के रीड करेंगे। तो इसमें जो एमकेएस पत्ती है, ठीक है, हमारा जो मीट्रिक प्रणाली है उसके हिसाब से हम 10, 100, 1000 इस तरह से हम रीड करते हैं, इसलिए इसको मीट्रिक प्रणाली का नाम दिया गया होगा। मतलब इनके इसका बेस जो होगा वो आधार जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम मेन लेके चलते हैं जो इसका फंडामेंटल हमारे पास यूनिट है मीटर, ये हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें हम इससे आगे को जब जाते हैं प्लस में जाते हैं तो इसका ये हमारे पास आ जाता है डेका मीटर, जिसे हमने पहले रीड किया था मल्टीपल। इस साइड को जो आएंगे ये आपके मल्टीपल आ जाएंगे और इस साइड को जो आएंगे वो आपके सब मल्टीपल आ जाएंगे। तो ये आपका आ जाता है 10^1 में, इस तरह से ये आपका आ जाएगा 110 इस तरह से 2 ऐसे सब मल्टीपल में। तो यहाँ पे दिखाया भी है जैसे 10^1 जो है वो डेका मीटर के बराबर है, 10^2 मतलब यानी कि आपका 100 मीटर, ठीक है, वह उसको आप 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, मतलब यानी कि आपका 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के बराबर होता है। ये आपका 10 मीटर जो होगा वो आपका 1 डेका मीटर के बराबर होगा। ये DA4 डेका, H4 ये M जो लगा हुआ ये मीटर का है। ठीक है, तो ये जैसे मल्टीपल्स में हमने अभी रीड किया था, और ये K4 किलो, किलो मतलब यानी कि 10^3, तो वैसे M4 मीटर, मतलब यानी कि आपका 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे बनाया भी गया हुआ है। इसके अलावा जब हम सब मल्टीपल्स की बात करते हैं तो उसमें डेसीमीटर मतलब यानी कि 1/10, ठीक है, और सेंटीमीटर मतलब यानी कि 1 मीटर का आपका 100वां हिस्सा, ठीक है, और मिलीमीटर की बात करें तो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, मतलब 10^3। ये आपको मतलब इनकी ये 10^3 ऊपर जाके -3, ये 10^2 ऊपर जाके माइनस, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा 10 के हिसाब से आपको पूरा दिख रहा है कि कैसे इधर माइनस हो रहा है और आगे प्लस हो रहा है। अब बात की जाए कि हम इनके आपस में रिलेशन, 1 मीटर जो होता है वो इसको ऐसे भी स्टडी किया जा सकता है कि भाई 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में गैप 10 का गैप है, ठीक है, इसके बीच में मतलब यानी कि आगे को 10 के हिसाब से मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये इंटू टेन इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे 1 सेंटीमीटर की बात की जाए, ठीक है, और मिलीमीटर की बात की जाए तो यानी कि इसके बीच में 10 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर हुआ, ठीक है, और 1 डेसीमीटर, अब इसके बीच में 10 और ये 100, ठीक है, तो ये 100, तो मतलब यानी कि 1 डेसीमीटर जो होगा वो आपका 100 जो मिलीमीटर के बराबर होगा। अब 1 मीटर जो होगा वो आपका यहाँ से गैप देख लो, जैसे 1 फिर मतलब इनके 10, ये 100 और ये 1000, मतलब 10, 100, 1000, तो ये आपका 1000 का गैप हुआ। तो मतलब इनके 1 मीटर जो होगा वो आपके 1000 मिलीमीटर के, इसके बीच में जो गैप होगा 10 का गैप होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे ही, मतलब यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, तो आगे को भी। तो वैसे ही मतलब इनके 1 डेकामीटर जो होगा वो 10 मीटर के बराबर, 1 हेक्टोमीटर, मीटर के बीच में गैप देख लो 10 और ये 10, 10 × 10, 100, तो ये 1 हेक्टोमीटर मतलब यानी कि 1000, 100 मीटर के बराबर, और 1 किलोमीटर मतलब यानी कि आपका 10, 10, 10 मतलब यानी कि 1000, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर के बराबर गैप आ गया। उसी तरह से जब रिवर्स करेंगे मतलब यानी कि इस साइड को आएंगे 1 किलोमीटर, जैसे यहाँ पर हमने आगे को रीड किया, ठीक है,
किलोमीटर में, मतलब यानी कि कितने मीटर होते हैं, उसी तरह से हम रेट करें कि भाई 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, जब हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ये आपका भाग हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि ये जब आपका राइट टू लेफ्ट आएंगे आप, जैसे कि आप 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप इस साइड को आ रहे हैं तो ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, तो ये आपका मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे यहाँ से आपका 10, 100, 1000, तो ये 1/1000 आ जाएगा। और इस साइड को जैसे कि भाई 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो ये आपका यहाँ से 10, यहाँ से 10 और मतलब यानी कि 100, तो 1 जो होगा सेंटीमीटर वो 100 मीटर के बराबर होगा, मतलब यानी कि 1/100 आ जाएगा, भाग हो जाएगा इसमें, मतलब ये 1/1000 हो जाएगा, मतलब 1 मीटर जो होगा 1/1000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ये यहाँ पे किया भी है, 1 मीटर जो होगा वो आपका ये मीटर है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 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 3, तो ये और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, वही 1, 2, 3, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर आपका 10^6 मिलीमीटर के बराबर, मतलब यानी कि आपका ये 1 किलोमीटर है और ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे 10, 100, 1000, 10000, 1,00,000, इस तरह से मतलब यानी कि आगे को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका आगे को जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये बात की जाए कि भाई 1 मिलीमीटर कितने, 1 मिलीमीटर जो होगा वो कितने किलोमीटर के बराबर होगा, तो ये 1/10^6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, मतलब यानी कि ये इसका भाग हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से जब आएगा तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब यानी कि मिलीमीटर की बात की जाए 1 मिलीमीटर 10^3 मीटर के बराबर, ये 1 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ अब ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 मिलीमीटर या डेकामीटर की बात की जाए, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर 10^3 मीटर के बराबर होना चाहिए। ये आगे यहाँ पर जैसे 1 मिलीमीटर ये मिलीमीटर है, और हम डेकामीटर की तरफ जा रहे हैं कि भाई यहाँ इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, 1 मिलीमीटर कितना डेकामीटर के बराबर होता है, तो ये 10, 100, 1000 और 10000, तो ये यहाँ पे 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1 की शक्ति, मतलब यानी कि 1 का सब मल्टीपल जो आ गया, प्रत्यय जो आ गया 10^4 के उसमें आ गया। उसके अलावा 1 सेंटीमीटर 10^4 हेक्टोमीटर, जैसे ये सेंटीमीटर है इसका और हेक्टोमीटर, इस ये भी जैसे गैप जो देखा जाए 10, 100, 1000 और 10000, तो ये भी 1 10^4 हेक्टोमीटर के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट बात करें हम ब्रिटिश प्रणाली की, फुट पाउंड सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो हम फुट की बात करेंगे आज, क्योंकि हम लेंथ जो कि लंबाई बेसिक है, फिर मास भार जो आएगा हमारे पास द्रव्यमान, और एस जो टाइम के लिए आता है, तो इन तीन में से आज हम फुट की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, लंबाई की यूनिट की बात करेंगे। तो ब्रिटिश जो फॉरेन सिस्टम है उसके हिसाब से 1 फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है, मतलब यानी कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 1 जो गज होता है वो 3 फुट के बराबर होता है, 1 गज जो हुआ वो 3 फुट के बराबर हुआ, तो नेचुरल सी बात है ये हमें पता है, 1 फुट जो होता है 12 इंच के बराबर होता है, तो 3 × 12, तो ये 36 इंच के बराबर हो गया। और 1 फलांग जो होता है 220 गज के बराबर होता है, और 1 मील जो होता है वो 8 फलांग के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट है ये मील का रिलेशन भी, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। उसके अलावा ये मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में क्या रिलेशन है, उसमें हम बात करें, 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2.54 जब हम मिली मीटर की बात करें, हमने बात की थी मिलीमीटर के, तो इसके बीच में जब
आ जाता है। ये हमारा मिलीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर जो होता है इसके बीच में जो गैप है वो 10 का आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जब हम इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे पास टू, ये आपका जब यहाँ का डेसिमल जो होगा, दशमलव जो होगा वो जब एक 10 से हम जब गुणा करेंगे तो एक स्टेप आगे चले जाएगा, ये 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। वैसे ही एक फुट जो होता है 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 30.48 को जब हम सेंटीमीटर को जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 304.8, मतलब यानी कि ये एक दशमलव आगे चले जाएगा। उसी तरह से एक गज 91.44 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वैसे इसको भी सेंटीमीटर से हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये 914.4 मिलीमीटर के बराबर आ गया। तो एक मील जो होता है, ठीक है, एक मील, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। एक मील जो होता था, जो पहले के ज़माने में इंडिया में भी मतलब यानी कि इससे मापा जाता था, 1.609 किलोमीटर के बराबर होता था। तो यानी कि एक किलोमीटर जो होता है हमारे पास 1000 मीटर के बराबर होता है। तो लेकिन अभी जो मील जो होता था वो 1.609 किलोमीटर के, अगर हम मीटर की बात करें तो 1.69 अगर किलोमीटर को जब हम मीटर में बदले तो ये 1609 मीटर, यानी कि 609 मीटर ज़्यादा होता था। एक मील जो होता था वो 1 किलोमीटर से 609 मीटर ज़्यादा होता था। फिर एक सेंटीमीटर जो होता है इंच में अगर हम इसको बदले तो, जैसे एक सेंटीमीटर यहाँ पर हमारे पास है, एक सेंटीमीटर एक इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास इंच दूसरी साइड 2.54 दूसरी साइड जाके भाग हो जाएगा, इधर मल्टीपल है तो ये आपका 1/2.54, इसको जब हम निकालेंगे ये 0.3937 इंच के बराबर आ जाएगा। तो यही है बेसिक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।